खुद पानी लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो मूली थी ना? नहीं, इसमें गाजर या मूली है। इसमें गाजर या मूली है, इसको पानी चाहिए होता ज्यादा, ठीक है। आज मैं पतंग ले आया हूँ, इधर बात सुनो। पतंग ले आया हूँ और आज पेचा लगाना, देखते कौन जीतता है पेचे में, ठीक है। पेचा पे आई, पेचे पेचे लगाना आता है? उड़ाया कभी पतंग? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग भाई बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमने व्लॉग में बहुत ही अलग अलग काम करने हैं। बहुत मजा आएगा। भला कैसे अलग अलग काम करने हैं? जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भाई मैं पतंग लेने जा रहा हूँ, और भाई वाकई मुझे कल पतंग नहीं मिले, लेकिन आज बड़ी स्ट्रगल के बाद जो है ना फाइनली मुझे पतंग मिल गए, और पतंग ले भी मैं आया हूँ। मैं अभी आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई मजीद व्लॉग शुरू करने से पहले, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो, और नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक का बटन भी दबा दो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। लाइक करने से आपको दो फायदे होंगे भाई, दो फायदों में से एक फायदा यह है कि आपको डेली वीडियो जो है ना, जो भी नई लगेगी, व्लॉग नया लगेगा, उसमें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा, ठीक है। और दूसरा ये फायदा होगा कि आप मास भाई व्लॉग फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है जी। तो भाई अब चलते हैं नीचे, व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है, और एक मैसेज आया है मोबाइल पर, देखते हैं वो किसका है। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं माज भाई क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पतंग जो मैं लेकर आया हूँ। और आज मेरा और माज का लगेगा पेचा, और आपने देखना है कि कौन जीतता है। जीतूंगा तो मैं ही, मुझे पता है। देखते हैं फिर भी कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन कल इन्होंने जो मेरे साथ प्रैंक किया ना, उसकी हालत देखो, सारी जगह प्लास्टर और पैरस फैला दिया। लेकिन इसका बदला मैं लाजमी लूँगा, ये मुझ पर फ़र्ज़ हो गया, इसका बदला मैंने लेना है आसिम से भी और माज भाई से। तो भाई यहाँ पर ये लोगो प्रिंट हो रहा है 3D प्रिंटर से, और चेक करते हैं कि माज भाई क्या कर रहे हैं। ये आ चुके हैं हम स्टूडियो में। हाँ जी माज भाई, क्या कर रहे हो आज? डांस कर गया। आज मैं पतंग ले आया हूँ, इधर बात सुनो। पतंग ले आया हूँ और आज पेचा लगाना, देखते कौन जीतता है पेचे में, ठीक है। पेचा पे आई, पेचे पेचे लगाना आता है? उड़ाया कभी पतंग? उड़ाया है। प्रो प्लेयर के सामने सारे फुस पटाखा है। अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि पतंग कितने लेके आया हूँ मैं, और डोर भी है, और थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है हमने, वो कर लेते हैं। अभी तो भाई दोपहर हो रही है, देखो कितनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप में पतंग में आ जाता भाई, पतंग का तो कोई सीन ही नहीं होगा ना। चलो भाई अब आ गए हम भाई फाइनली, और यहाँ पर मेरे पास है, चेक करो कितना बड़ा पिन्ना है डोर का, ठीक है। और पतंग देख करते हैं कितने हैं। वैसे तो हमें 5 लेके आया था, शायद 5 पूरे भी हैं या नहीं। टिचिंग टिचिंग होने वाली है, और मसला ये आ गया हमारे पास, डोर हमें मिली एक ही, अब इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे ताकि एक माल भाई को मिले एक मुझे मिले। अब इसका दूसरा दो हिस्से करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितने बराबर बराबर करेंगे इससे, ठीक है, ताकि जो है डोर बराबर तकसीम हो जाए। तो भाई पिन को मैंने कर दिया है डिवाइड, दो डोर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब पूछते हैं माल भाई से कौन सा पिन्ना रखना है। हाँ भाई कौन सा इनमें से रखना है? बराबर मेरा आएगा। ये आपने रखना है? ये बराबर मेरा पिन्ना, इससे मैं उड़ाऊंगा पता नहीं। बस कितनी खींची जानी है, क्या मतलब अभी खुल रही है तो लपेटी जाएगा। ये काट लिया और ये पिन्ना मेरा है। चलो ये एक मास का हो गया, एक मेरा हो गया। अब अंदर घर 5 पतंग पड़े हमारे पास, ठीक है, और 5 पतंग में से देखते हैं आज कौन सा कटता है, कौन सा बचता है, और हम दोनों में से कौन सा विनर होता है। तो भाई आप देख सकते हो भाई मैं अपने खेतों को खुद पानी लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो मूली थी ना? नहीं, इसमें गाजर या मूली है। इसमें गाजर या मूली है, इसको पानी चाहिए होता ज्यादा, ठीक है। तो इसको पानी लगा रहे हैं हम भाई, आप देख सकते हैं कि काफी हरा भरा हो चुका है हमारा खेत। यार कोई चीज ढूंढनी पड़ेगी, तो मिट्टी खराब कर रहा है। हाँ वो बैट पड़ा था इधर, वो मुझे लगता है घर से ला गया। हाँ भाई ये यहाँ पे हमारी मिट्टी उखड़ने लगी थी, पानी का प्रेशर था बहुत तेज, इसलिए हम बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हमारी क्यारियाँ ना वो खराब ना हो। आप देख सकते हैं भाई किचन गार्डनिंग करना आसान नहीं है, लेकिन करने में मज़ा ही बड़ा आता है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। देखते हैं जी कासिम क्या कर रहा है। कासिम ने लगाया हुआ है जी यहाँ पर पानी, और ये उगा रहा है जी सब्जियाँ जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ भी क्या उगा रहा है? मैंने व्यूवर को पहले ही दिखा दिया, आप लेट हो जनाब, आप लेट क्यों हो? ज़्यादा ना सर पे ना चढ़, ठीक है ना। पानी लगा रहा जी ये, तो यहाँ पर लग रही हैं सब्जियाँ। आप चलते हैं अपने स्टूडियो में, वहाँ पर कुछ सामान आया
तो भाई ये आ चुका है सामान, आपको बताया था कि कमरे में लगाना है। और ये भाई ये जो सामान है ना, ये शीटें लगनी है अंदर जिसपे हमने मशीनें रखनी, ठीक है जी। और अभी इस सामान को अनलोड करवा के अंदर रखवाते हैं, ठीक है। आसिम ये सीधा पता किधर रखनी है, लरे इधर इधर लगा देनी है, बाकी वो जो शीटें वो डायरेक्ट अंदर रखनी है, ठीक है। तो भाई अभी आपको दिखाता हूँ ये लगनी कहाँ पे, पहले भी मैंने बताया लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा। तो भाई ये कमरा है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगनी है शीटें, ठीक है जी। छोटा मोटा सामान मैं पहले ही ले आया था, ये देख सकते हो आप लोग, ये शीलें शीलें खड़पेचे वगैरह गिट्टियाँ वगैरह ले आया था। और अब इसको नेक्स्ट व्लॉग में कल ही फिट करेंगे और इसको कल फिट करेंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगा भी। और भाई अगर अभी मैं जाता हूँ ऊपर हवा की साइड पर, कल जो थी ना हवा इस साइड पर थी जिसकी वजह से हमारा जो पतंग नहीं उड़ पाता था, अगर हवा आज इस साइड की हुई तो आज हमारा पेचे वाला मुकाबला लगेगा पतंग वाला। तो शाम को देखते हैं किस साइड की हवा रहती है, दिन में कहीं होती है शाम को कहीं होती है, ऐसे हवा का हवा की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होती रहती है। तो भाई आपने देखा कि काफ़ी सारे आज काम किए हैं, लेकिन जो भाई आज हवा का रुख है ना वो इस साइड पे नहीं है, ठीक है, इस साइड पे कहीं पे घर वाले साइड पे। इस साइड पे अगर उड़ाना भी जाएँ तो यार कुछ नज़र नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं होना। इस जगह या खेतों की तरफ होगा ना जिस दिन हवा का रुख, उस दिन लाजमी हम पतंग वाला पेचा लाजमी लगाएंगे। तो भाई आपने देखा कि कितने एक्साइटिंग एक्साइटिंग व्लॉग आते रहते हैं। और इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि हम किसी दिन बहावलपुर प्रोडक्शन के पास भी जाएं बहावलपुर में और वहाँ जाकर भी व्लॉग बनाएंगे। तो भाई इस तरह के अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग आते रहेंगे और आप लोगों ने इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो भाई आपने क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।